होशंगाबाद के बनखेड़ी नवीन कॉलेज परिसर में दुर्गा उत्सव, दशहरा और ईद मिलादुन्नबी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDM नितिन ने शासन की गाइडलाइन का पालन करने और नगर में किसी प्रकार का चल समारोह, गरबा, झांकी नहीं निकालने और पंडालों में भीड़ को इकट्ठा नहीं होने जैसे नियमों का पालन करना सभी को जरूरी है। बनखेड़ी से जगदीश गढ़वाल की रिपोर्ट। क्या महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी हुई है शासन के द्वारा और किस तरह की एहतियात लोगों को रखना है? शासन ने अभी नवरात्रि पर्व को और उसके बाद में दशहरे को देखते हुए रिवाइज करिए गाइडलाइंस। उसमें पंडालों के साइज को लेकर के जो कि 30x45 का पंडाल, झांकियां ना होना, विसर्जन स्थल का अलग अलग चयन, विसर्जन के समय जो लोग विसर्जन करने जाते हैं उनकी संख्या पर 10 जनों के जाने की लिमिटेशन, इसके अलावा जहाँ पर इस तरीके के झांकी का प्रदर्शन हो रहा है या जहाँ पंडाल लगे हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना होना, सैनिटाइज़र, मास्क और सभी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस नवरात्रि पर्व का सफल आयोजन करने का शासन ने गाइडलाइन दिया है। सभी गणमान्य जनों को, सभी पंडाल संचालकों को ये बताया गया है। शासन ने इसके साथ यह भी कहा है कि तहसील और SDM स्तर से, प्रशासन स्तर से इन पंडालों के और इनके विसर्जन के लिए अलग से अनुमति लेना अनिवार्य होगी, उसके लिए भी बता दिया गया है। अगले एक दो दिन में वो अनुमतियां ले ली जाएंगी। DJ का उपयोग, साउंड बॉक्सेस का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा, जिसमें कि DJ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी तरीके के चल समारोह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। कहीं भी गरबा उत्सव का आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये कुछ मोटी मोटी गाइडलाइंस थी जिसके बारे में गणमान्य जनों से, उत्सव समिति के जितने पदाधिकारी उनसे चर्चा की गई। सभी ने इस पर अपनी सहमति जताई है। लोकल स्तर पर और भी जो अच्छी व्यवस्थाएँ हो सकती है, उसमें पुलिस ने हर पंडाल में कम से कम 2 लोग जो रात्रि को सोएंगे, विशेष रूप से उस पंडाल की सुरक्षा के लिए इसकी व्यवस्था की है। नगर रक्षा समिति की एक अच्छी टीम तैयार है। पुलिस मुस्तैदी से, प्रशासन मुस्तैदी से लगा रहेगा। हम लोग भी जो अनुभाग स्तर के अधिकारी हैं, सभी लोग बनखेड़ी के इस आयोजनों में समय समय पर विजिट करेंगे ताकि कोई भी ऐसी बाधाएं उत्पन्न ना हो जिससे कि इस आयोजन में अड़चन आए। सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, रामलीला पर्व जैसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो सर उनकी अनुमति रहेगी क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी? देखिए, 100 लोगों के इकट्ठे होने, 100 तक की एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में गाइडलाइन के अनुसार जारी किया गया है। ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है कि रामलीला होगी या नहीं होगी। रामलीला में अमूमन 2000-5000 लोग इकट्ठे होने की बड़ी बड़ी जगह संभावनाएं रहती हैं। अगर वो छोटे स्तर पे होती है, ग्रामीण स्तर पे होती है, 150 लोगों के साथ में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गाइडलाइन के अनुसार 100 लोगों से ज़्यादा की अनुमति किसी भी जगह नहीं है। जो प्रसाद बंटता सर उसके लिए? उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं, अपने हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये, और जो आप 100 लोगों की एक लिमिट दिए उसके अंदर यदि कार्य होता है तो वो अनुमति है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।